हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, जो पिछला मैंने शादी का वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपको भी आपकी मंजिल मिले और आप भी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। तो गाइस, आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, मैं फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सब लोगों का, और मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहती, बस आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ आज नूडल। तो बच्चों ने जिद कर ली कि आज नूडल खाने हैं, मतलब जो चाउमीन होते हैं वो बनाने जा रही हूँ। तो पहले कभी बनाया तो है नहीं, देखती हूँ ट्राई करके। तो गाइस, नूडल बनाने के लिए मैंने पानी गर्म किया है और ये इसमें ये रखे हैं नूडल, चाउमीन जो हैं वो रखे हैं, तो ये गर्म पानी में मैं डाल देती हूँ पकाने के लिए। शायद तैयार हो गए हैं पक्के, और मैं यहाँ पे जो इनके लिए मसाला है वो तैयार कर रही हूँ। भाई जी, यहाँ पे ये मैंने तेल कर लिया है गरम, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये हरी मिर्च हैं और प्याज हैं और शिमला मिर्च है, तो एक एक करके मैं डालने वाली हूँ। तो हरी मिर्च को मैंने डाल दी है, अभी मैं प्याज और जो शिमला मिर्च है वो भी डालने वाली हूँ। तो वैसे ये मैंने प्याज और शिमला मिर्च भी इसके अंदर डाल दी हैं और इनको पका लेते हैं थोड़ा सा। तो वैसे खाए तो बहुत ही बार हैं मैंने, पर बनाए नहीं है, आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी डाली है हल्दी और नमक, तो आप स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ी सी डाली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, सॉस है ना जो टोमेटो सॉस होता है वो डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर। तो गाइस, ये जो चाउमीन है इनको मैंने गर्म पानी से निकाल के और ठंडे पानी में डाल दिया था, तो ये देखो ऐसे खिले खिले से है। ये देखो गाइस, मैंने पहली बार बनाए हैं तो मैं चेक करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। पहली बार बनाए हैं मैंने, फिर भी अच्छे ही बने हैं, तो आपको तो दिखा ही सकती हूँ मैं, आप खाने तो आ नहीं सकते, तो आप ये देख लीजिए अच्छे बने हैं। आप अपने घर पे ट्राई करके और बनाइए और खाइए, तो सबको खिला देती हूँ मैं। अब मैंने तो चेक कर लिया है, ठीक है, तो अभी मैं सबको खिलाने वाली हूँ, जो बच्चे हैं घर में बाकी मेम्बर हैं उनको भी सबको खिलाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलना है थारसु जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपना परिवार को भी।